दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को शहर के प्रदूषण स्तर की निगरानी के लिए दिल्ली सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम का उद्घाटन किया। गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के स्तर, प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों और हर दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की निगरानी के लिए 10 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। पड़ोसी राज्यों में खेत की आग से संबंधित सैटेलाइट डेटा का भी विश्लेषण ग्रीन वॉर रूम में ही किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों की इज्जत करते हुए ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की गई है। आपको बता दें, गोपाल राय ने आगे कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि शहर में 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण का स्तर और उन्हें नीचे लाने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए दैनिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भेजी जाएगी। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।